की बात है। पूजा नाम की एक लड़की दुबई में अपने माँ गौरी और पिता रौनक के साथ रहती थी। उसके पिता इंडिया से थे, जो कि दुबई के एक बड़े कंपनी में नौकरी किया करते थे। रौनक का इंडिया में भी एक पुश्तैनी घर था, जहाँ पर पूजा के चाचा चाची रहते थे। पूजा को बचपन से ही आम खाने का बहुत शौक था, मगर दुबई में ज्यादा आम नहीं मिल पाता था। फिर भी वो आम खाने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। एक दिन वो अपने माता पिता से कहती है, पापा, हम कितने दिनों से इंडिया नहीं गए हैं, क्यों ना हम इस समय इंडिया में घूमने जाएं? हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी काफी साल हो गए इंडिया गए, और समर में तो वहाँ आम भी मिलता है। तुम्हें तो बहुत मजा आएगा इंडिया में। हाँ पापा, तभी तो कह रही हूँ इंडिया चले। यहाँ पर तो इंडिया जैसे अच्छे आम नहीं मिलते हैं ना। इतना आम खाती हो, फिर भी तुम्हारा मन नहीं भरता है क्या? आम से भी भला मन भरता है क्या? मुझे तो अगर आम का बागीचा मिल जाए तो मैं दिन भर आम के पेड़ पर बैठकर आम खाया करूंगी। ऐसी बात है क्या? वैसे गौरी, बहुत दिन भी हो गए हैं भैया भाभी से मिले हुए, चलो इस बार इंडिया घूम ही आते हैं। तुम दोनों का इतना मन है तो चलो। तो ठीक है, ये तय रहा कि इस साल हम इंडिया में गुजारेंगे। मेरा फाइनल एग्जाम खत्म होते ही हम इंडिया चले जाएंगे। देखते देखते पूजा की एग्जाम भी खत्म हो जाती है। फिर एक दिन रौनक आकर कहा, यह देखो क्या है मेरे हाथ में। क्या है ये? यह इंडिया की फ्लाइट का टिकट है, हम इसी संडे को इंडिया जा रहे हैं। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है। पूजा, तूने सुना? हाँ मम्मी, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं कल से ही अपनी पैकिंग स्टार्ट कर देती हूँ। अपने भैया भाभी को बताया कि हम आ रहे हैं? नहीं नहीं, मैं उन्हें सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। और फिर उन लोगों के इंडिया जाने का दिन आ जाता है। पूजा बहुत ही एक्साइटेड थी। वो लोग इंडिया पहुँच जाते हैं और इंडिया में वो लोग अपने घर आ जाते हैं। सबको देखकर चाचा कमलेश के आंखों में खुशी के आंसू आ जाती है। अरे तुम सब यहाँ? हाँ, हम सब यहाँ। कैसे हैं आप भाई साहब? आपको इतने दिनों बाद देखकर दिल को बहुत खुशी हुई है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अब तो तुम सबको देखकर और अच्छा हो गया हूँ। और पूजा बिटिया कितनी बड़ी हो गई है, इतनी छोटी सी थी जब तुझे देखा था। आज भी आम खाने का शौक है या नहीं? जी चाची, आपको याद है कि मैं आम की कितनी बड़ी दीवानी हूँ? अरे मैं कैसे भूल सकती हूँ। वैसे तुम सब बताकर क्यों नहीं आए? मैं एयरपोर्ट चला आता तुम सबको लेने। बताकर आता तो तुम सबको सरप्राइज कैसे देता? वो दिन तो इधर उधर के खबर लेने देने में ही गुजर गया। अगले दिन पूजा अपने चाचा से कहती है, चाचा कल मुझे आम का बागीचा दिखाने ले चलिए ना। ठीक है बेटा, कल चलना घूमने। अगले दिन वो आम का बगीचा देखने जाते हैं। वाह चाचा, कितने सारे आम हैं। क्या मैं एक तोड़कर खा सकती हूँ? हाँ बेटा, जरूर खा लो। पूजा उस बगीचे से कुछ आम तोड़कर खा लेती है और कुछ अपने साथ लेकर आती है। अगले दिन फिर से वो आम के बगीचे में जाने की जिद करने लगी। अरे बेटा, यहाँ बहुत कुछ है देखने के लिए, पहले उन सबको देख तो ले। नहीं चाचा, मुझे सिर्फ आम के ही बगीचे में जाना है। ठीक है चल। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है। अब तो उसकी आम खाने का शौक इतनी बढ़ गई कि वो जहाँ भी आम का पेड़ देखती है वहाँ उस पेड़ पर चढ़कर आम तोड़कर खाने लगती है। ये देख उसके पिता एक दिन उससे कहते हैं, क्या पूजा, तू एक नंबर की पागल लड़की है। अच्छा पापा, आपको मेरा आम खाना पागलपन लग रहा है, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? इस कारण परिवार वाले उसे आम पागल लड़की कहकर बुलाने लगे। देखते देखते पूरा एक महीना गुजर जाता है। कुछ दिन बाद
वही पड़ोस में एक लड़की की शादी होती है। शादी में रौनक के पूरे परिवार को भी दावत मिलता है। उसका पूरा परिवार उस दावत में जाते हैं। वहाँ अहम नाम का एक लड़का अपने माता पिता के साथ आता है। अहम के परिवार वाले पूजा को देखते ही पसंद कर लेते हैं और एक दिन रौनक से बात करने अहम की माँ उन लोगों के घर में आती है। भाई साहब, हम आपकी बेटी का रिश्ता अपने इकलौते बेटे अहम के लिए मांगने आए हैं। बहन जी, मैं भी अपनी बेटी की शादी करवाने की सोच रहा था। यह रिश्ता मुझे भी बहुत पसंद है, मगर मैं अपने घर में राय मशवरा करके बताऊंगा। ठीक है भाई साहब, जैसा आप लोग अच्छा समझे। रौनक अपने भाई से बात करने आता है। भाई साहब, अहम कैसा लड़का है? क्या मैं इस रिश्ते को हाँ कर दूं? अहम, अरे वह तो हीरा है, हीरा। पूरे मोहल्ले में उसके जैसा कोई नहीं है। समझदार, दिखने में अच्छा, साथ ही साथ एक बड़ी कंपनी का मालिक है। बहुत अच्छा रिश्ता है, हाँ कर दो। फिर कुछ दिन के बाद पूजा और अहम की शादी हो जाती है। अहम का एक बड़ा सा घर और एक बगीचा था, जिसमें 2-3 आम के पेड़ भी था, जिसको देखकर पूजा काफी खुश हो जाती है और एक दिन अहम से कहती है, वाओ अहम, तुम्हारे बागीचे में तो आम के कितने सारे पेड़ हैं। तुम्हें पता है मुझे आम खाने का बहुत शौक है। अच्छी बात है, खाना तुम आम, तुम्हें मना किसने किया है? मगर क्या फायदा, अभी तो आम का सीजन भी खत्म हो गया है। खैर कोई बात नहीं, अगले साल जब आम होगा तब मैं आम खाऊंगी। शादी के बाद पूजा अपने ससुराल में काफी अच्छे से रहा करती थी, सबका बहुत ख्याल रखती थी। उसके ससुराल वाले भी उसे बहुत प्यार करते थे। देखते देखते पूरे 10 महीने गुजर जाते हैं और फिर आम का सीजन आ जाता है। तब पूजा पेड़ में आम देखकर कहती है, वाह ये आम कितने अच्छे लग रहे हैं ना। ए आम, तू जल्दी से पक जा, मुझे तुझे खाना है। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। पूजा को ऐसे पेड़ से बात करते हुए देख उसकी सास उससे कहती है, अरे बहू किससे बातें कर रही हो? वो माँ जी, मैं इन आमों से बात कर रही थी। क्या आमों से बात? पागल हो गई हो क्या? हो माँ जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? आम खाने वाले पागल होते हैं क्या? मैं तो बस इन आमों के पकने का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, कुछ दिनों में आम पक जाते हैं। फिर क्या था, पूजा के अंदर सवार हो गया आम खाने का पागलपन। उसको जब भी मौका मिलता था वो बस पेड़ पर चढ़ जाती थी और आम खाने लगती थी। एक दिन शाम के वक्त उसकी सास उसे आवाज लगाती है, बहू कहाँ गई? वो बगीचे में जाकर देखती है कि पूजा पेड़ पर चढ़कर आम खा रही है। अरे बहू ये क्या कर रही हो, शाम के वक्त पेड़ पर चढ़ी हो, कुछ आम तोड़ लो और नीचे आकर आराम से बैठकर खाओ। माँ जी आप नहीं जानती है, यहाँ बैठकर आम खाने का मजा ही अलग है। ऐसे ही वो रोजाना आम के पेड़ पर चढ़कर आम खाया करती थी। ये सब देख उसकी सास अहम से कहती है, अरे बेटा बहू का ये आम खाने का शौक तो बड़ा अद्भुत लगता है मुझे, इसका कुछ करना नहीं है क्या? छोड़ो ना माँ, अब क्या कर सकती हो, साल में एक बार उसके इस पागलपन को तो बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हाँ बेटा, मगर एक बात है, वो आम खाते हुए बहुत प्यारी लगती है। हाँ माँ, वो तो सही कहा तुमने, एकदम पागल है वो। ऐसे ही पूजा का आम खाने का शौक कभी खत्म नहीं होता और जब भी आम का सीजन आता है उसके अंदर आम खाने का भूत सवार हो जाता है। इसलिए ससुराल में भी सबने उसका नाम आम खाने वाली पागल बहू रख दिया।